جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي مولاي صل وسلم. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हज 2020 गवर्नमेंट हज स्कीम 2020 के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ जी, उसके लिए फॉर्म डेट अनाउंस हो गई है कि फॉर्म जमा करवाने की, और तमाम बैंकों का शेड्यूल भी जारी हो कि कौन कौन से बैंक में आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने हज और सस्ता कर दिया है, और मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके हिसाब से रेट्स दे दिए कि इस शहर से इतना रेट होगा, इस शहर से इतना रेट होगा। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची, कोयटा और सखर के लिए 4,55,695 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे, और बगैर कुर्बानी के। अगर कुर्बानी के साथ 4,78,520 रुपये आपको अदा करने, और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं, क्योंकि 4,90,000 का जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था उसमें अपने 18,000 से 20,000 तक उसमें कमी कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, रहीमयार खां, पिशावर, मुल्तान, रहीमयार खां, फैसलाबाद और से आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं तो 4,63,455 रुपये में विदाउट कुर्बानी, और कुर्बानी के साथ 4,86,000 में 270 रुपये में आपको ये फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपने 24 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक इसकी डेट अनाउंस की गई है, और इसमें बता दिया कि 24 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक, और इन दौरान आपसे ये फॉर्म लिए बैंकों के तमाम बैंकर्स को लेटर लिख दिए गए हैं, और तमाम बैंकर का मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बैंकों में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और कितना ग्रुप, ग्रुप का भी उन्होंने बता दिया, साइज 1 से लेकर 14 तक मेंबर, कम से कम 1 से लेकर 14 तक मेंबर होने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन के तो 24 फरवरी से 4 मार्च तक, और इसके अलावा जो उसका फैसला होगा वो उसकी ब्लोटिंग पे होगा, जो उसकी कुरानदाजी, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन कौन से लोग हज पे जा रहे हैं, तो इसकी डेट भी अनाउंस हो गई है और ग्रुप के बारे में बता दिया गया है। और अभी हम चलते हैं उन बैंक्स की तरफ कौन कौन से बैंकों में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, मिनिस्ट्री की तरफ से, मजहबी अमूर की तरफ से ये लेटर लिख दिया गया है तमाम बैंकों को, जिसमें हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, नेशनल बैंक है, MCB, अलाइड बैंक, इसके अलावा ज़रई तरक्की बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, मिज़ान बैंक है, बैंक अल फलाह हबीब, मेट्रोपोलियन, इसके अलावा बैंक अल हबीब भी है, फैसल बैंक है, स्क्री बैंक है। उसमें बता दिए 24 से लेकर 4 मार्च तक इसकी डेट अनाउंस है, और इसके अलावा आपको इतवार, दो इसमें इतवार आ रही है, एक संडे आ रही है जिसमें 29 को होगा, और 1 मार्च को भी आप अपनी ये फैसिलिटीज़ आपको हासिल होगी। तो इसलिए इस हवाले से एक बड़ी अपडेट है कि जो इसमें संडे की छुट्टी आ रही हैं, इसके अलावा सैटरडे की छुट्टी आ रही है, उसमें भी ये एप्लीकेशन जमा होंगी। तो 24 लेकर 3 तारीख तक आपने ये एप्लीकेशन जमा करो। गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है कि इस हज को भी जो 4,90,000 का था उसको सस्ता कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।